नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्कर करंट अफेयर मैगजीन के आपने जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के हमारे सभी संस्करण के आपने वीडियोस देख लिए होंगे, जिसमें एमसीक्यूज या फिर सार संग्रह या एक्सप्लेनेशन वीडियो। दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाकर मंथ वाइज देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के फरवरी 2021 के संस्करण का सार संग्रह का वीडियो लेकर आए हैं। इससे जस्ट पहला हमारा वीडियो आया था, वो एमसीक्यू वीडियो था। तो इस वीडियो हम फरवरी 2021 के सार संग्रह पर चर्चा करेंगे घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी कोई हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ताकि वीडियो कोई भी मिस नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पार्ट इसमें आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जो भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, उन सभी को इस पॉइंट में कवर करेंगे। पहला पॉइंट इसमें होता है हमारा, हाल ही में A68A ने विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाई थी। A68A क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है हिमखंड। हिमखंड यानी कि जिसे आइसबर्ग कहते हैं अंग्रेजी में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तैरते हुए विशालकाय आइसबर्ग, जिसको A68 एक नाम दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल 5,800 वर्ग किलोमीटर है। इस तैरते हुए हिमखंड ने विश्व भर के वैज्ञानिकों की चिंता हाल ही में बढ़ाई थी। A68A। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय INS सिंधु वीर पनडुब्बी को अपनी जो है अपने नौसैन्य बेड़े में शामिल किया है? INS सिंधुवीर को, उस देश का क्या नाम है? आंसर यहां पर है म्यांमार। म्यांमार देश ने हाल ही में शामिल किया है भारतीय INS सिंधुवीर पनडुब्बी को। यहाँ फोटो देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में वर्चुअली आयोजित 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जिसे GTS कहते हैं शॉर्ट में, को किसने संबोधित किया था? आंसर है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। GTS यानी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जिसका पांचवा संस्करण था, जिसका हाल ही में उसको संबोधित किया था भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। और इस समिट की जो थीम रखी गई थी उसका नाम है द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आता है, हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच भारत में पहुंचा है, यह किस देश से भारत में आया था? आंसर यहां पर है फ्रांस। फ्रांस की कंपनी है द असॉल्ट एविएशन के द्वारा भेजा गया भारत में 3 राफेल लड़ाकू विमान। इससे पहले 5 राफेल लड़ाकू विमान आ चुके थे 28 जुलाई को, तो अब कुल मिला के भारत के पास 8 राफेल आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया गया था, इसका आयोजन कहां पर होना है? किस देश ने भारत को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है? आंसर इसका है ब्रिटेन। 2020 G7 समिट का आयोजन अमेरिका में हुआ था, और 2021 में जो उसका आयोजन होना है वो ब्रिटेन में होना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया है? मलाला यूसुफजई, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है शांति के क्षेत्र में, पाकिस्तानी महिला है, बालिका थी, जिनको कि मलाला यूसुफजई के नाम से जाना जाता है, और उसके उन्हीं के नाम पर एक स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिका की स्पेस फोर्स का नया नाम क्या रखा गया है? अमेरिकन स्पेस फोर्स का नया नाम गार्जियंस। हाल ही में अमेरिका की स्पेस फोर्स का नाम गार्जियन रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल की संसद को भंग करने का फैसला वहां के राष्ट्रपति ने लिया है हाल ही में, उनका क्या नाम है? नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और वहां के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखेंगे। पहला पॉइंट आता है नेशनल करंट अफेयर्स में, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है? पॉलिनेटर पार्क, पॉलिनेटर जिसको जिसको बोलते हैं परागकण जो पार्क होता है, वहां पर यह उत्तराखंड में खोला गया है यह पार्क, जिसे इंग्लिश में पॉलिनेटर पार्क कहते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जिसमें तितलियां, मधुमक्खियों और पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क खोला गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र, आंसर यहां पर है लेह। इससे पहले ऐसा सुविधा केंद्र अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित था, और अब यह लेह में बना है, जो कि सबसे ऊंचा है 3500 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट पॉइंट,
हाल ही में देश की कौन सी मेट्रो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राइवर लेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है? ड्राइवर लेस ट्रेन सेवा को, राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली मेट्रो पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्राइवर लेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन के ऊपर। ओके नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी, आंसर यहाँ पर है गुजरात में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में बताए गए हैं? तो हाल ही में जो भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की गई, इसके अनुसार मध्य प्रदेश में 3421, उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक में 1783 तेंदुए बताए गए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। ओके नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर खोला गया है? चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में, भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 100% जैविक यानी कि ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? 100% जैविक, आंसर यहां पर है लक्षद्वीप, भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है जो 100% जैविक यानी ऑर्गेनिक है। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है, सबसे पहले सिक्किम ने यह दर्जा प्राप्त किया था 100% ऑर्गेनिक होने का, और पहला जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वह लक्षद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल व कोणार्क महोत्सव 2020 का आयोजन कहां पर हुआ है? अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव, आंसर है ओडिशा राज्य में, ओडिशा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा बीच पर आयोजित किया गया है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है? उन दो शहरों का क्या नाम है? आंसर यहां पर है ग्वालियर व ओरछा। ग्वालियर और ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में है, इन दोनों को ही यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की जो संख्या है वो कुल अब बढ़कर इन दोनों को मिलाकर अब 40 हो गई है। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन, आंसर यहां पर बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत ने लद्दाख के किस आर्द्र भूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है? उस क्षेत्र का क्या नाम है? उसका नाम है सोकर, जिसे TSOKAR यानी कि सोकर इसको बोलते हैं, इसका नाम है, और यह भारत का 42वां रामसर स्थल है। और इस पूरे ही लिस्ट जो 42 रामसर स्थल है, इनकी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद में PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, और यहाँ पर क्लिक करके आप उन सभी 42 रामसर स्थलों की सूची को देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें आएगा हमारा आर्थिक प्रदर्शन यानी इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सार संग्रह के रूप में उनको हम देखते हैं। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? आंसर है भारत का इसमें 111वां स्थान है, भारत को 162 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में जहां भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में न्यूजीलैंड। यह सूचकांक नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताता है, और इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कहां पर बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास करने के लिए गुरुग्राम हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है, यह कहां पर स्थित है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क, आंसर इसका है यहां पर हैदराबाद में स्थित है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जिसे हाल ही में ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है और देश का पहला चिड़ियाघर है जो कि ISO सर्टिफिकेट जिसने प्राप्त किया हो। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में
मानव विकास सूचकांक 2020 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर यहां पर है नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि मानव स्वतंत्रता सूचकांक अगर बोलते हैं तो उसमें न्यूजीलैंड पहले स्थान पर आता है। हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया, इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है, तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? इसमें पहला स्थान ही यहाँ पर भारत का होगा, यहाँ पर भारत का स्थान यहाँ पर रहा है 131वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है मानव विकास सूचकांक में, जबकि मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान था 111वां। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कहां पर 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आंसर है उत्तराखंड के देहरादून में हाल ही में आयोजित किया गया है 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में CCP इंडेक्स भी कहते हैं, CCPI, भारत का इसमें 10वां स्थान है, और लगातार भारत इसमें 10वें स्थान के बीच में रहा है, पिछले साल भारत का 9वां स्थान रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में होने वाली वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर होगा? आंसर है यहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में होने वाली बैठक का आयोजन अब सिंगापुर में होगा। इससे पहले इसका आयोजन ल्यूसन बर्गन स्टॉक जो कि स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन होना था, लेकिन अब इसका जो आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य में देश का 8वां तेल एवं गैस रिजर्व जो बना है वो देश को समर्पित किया गया है, वह किस राज्य में है? आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य में भारत का 8वां तेल एवं गैस रिजर्व जो बना है हाल ही में देश को समर्पित किया गया है, और ये देश का 8वां था और इस राज्य का पहला तेल और गैस रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा इसमें पुरस्कार एवं सम्मान, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है, हाल ही में 96वें तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास, इनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, तानसेन सम्मान इनको मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किए गए भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का क्या नाम है? आंसर इसका है विनोद कुमार यादव, जो कि भारतीय रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे, उनको हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन जिसे GAVI गावी कहते हैं, उसमें किस भारतीय को सदस्य बनाया गया है? आंसर इसका हो जाएगा यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो कि हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए एक गठित वैश्विक गठबंधन के भारतीय सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है, गावी का मुख्यालय है, स्थान है जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, आंसर यहां पर हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह अमर सिंह कॉलेज कहां पर स्थित है? अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड्स ऑफ मेरिट से नवाजा गया है अमर सिंह कॉलेज को। नेक्स्ट, हाल ही में नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है? द लीजन ऑफ मेरिट से, आंसर है अमेरिका के द्वारा हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान है द लीजन ऑफ मेरिट। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? हॉकर संस्कृति को, आंसर यहां पर है सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को हाल ही में यूनेस्को ने शामिल किया है। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है? एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, रतन टाटा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को यंग चैंपियन ऑफ अर्थ चुना गया है? यंग चैंपियन ऑफ अर्थ, आंसर है विद्युत मोहन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ विजेता बने हैं विद्युत
मोहन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज में पहले स्थान पर कौन है? सेलिब्रिटीज जो कि 2020 में सर्वाधिक कमाई करने वाली, ये इनका फोटो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, काइली जाइनर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 सेल, जिसका पूरा नाम हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? बंगबंधु अवार्ड। आंसर है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु, उनके नाम पर हाल ही में यूनेस्को के द्वारा अवार्ड शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने हैं? टाइम मैगजीन के द्वारा 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर, इस बार संयुक्त रूप से दो जनों को, जिसमें जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति और कमला हैरिस जो कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, दोनों को ही संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। यहाँ आप स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं, 2019 में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू, कुलदीप हांडू जो कि वर्तमान में भारतीय वुशु टीम के मौजूदा कोच हैं, और उन्हें हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड्स और किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? टाइम मैगजीन ने हाल ही में शुरू किया है किड ऑफ द ईयर, और पहली बार ये अवार्ड शुरू किया गया है जो कि गीतांजलि राव को दिया गया है। जबकि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड की अगर बात करते हैं तो जो बाइडन और कमला हैरिस को संयुक्त रूप से दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? भारतीय शिक्षक का, उनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। नेक्स्ट पॉइंट, द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए किसे तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 मिला है? द सिटी एंड द सी, आंसर इसका है राजकमल झा, यहाँ पे स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका। नेक्स्ट आता है, इसमें हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर एंजेला मोर्कल जो कि जर्मनी की चांसलर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वां स्थान प्राप्त किया है भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। पहले स्थान पर है एंजेला मोर्कल। नेक्स्ट पार्ट इसमें आएगा खेल प्रदर्शी, यानी खेल से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को हम सार संग्रह के रूप में देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में इस दशक के लिए आईसीसी पुरुष एक दिवसीय व T20 टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? आंसर है भारतीय पूर्व कप्तान क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी, जिनको आईसीसी पुरुष एक दिवसीय टीम और T20 टीम का उनको कप्तान बनाया गया है, जबकि विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान उनको बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया है? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, आंसर इसका है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को एक वाक्य था 2011 के नॉटिंगम टेस्ट में अजीब तरीके से रन आउट होने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को वापस बुलाने पर उनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं जिनको हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आता है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई है। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 का संस्करण कहां पर खेला जाएगा? आंसर इसका है हरियाणा में खेला जाएगा, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th संस्करण। अब इनमें कौन कौन से 4 खेल शामिल हो रहे हैं तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संस्करण में 4 स्वदेशी खेलों को जोड़ने का फैसला किया है, जिसमें कलारी पैटू जो कि जिसकी उत्पत्ति केरल से हुई है, दूसरा मल्लखंबा जिसका आयोजन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है, तीसरा आता है गतका जो कि पंजाब से निकला हुआ एक खेल है, और चौथा इसमें खेल है थांगता जो कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इन 4 स्वदेशी खेलों को 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 चुना गया है?
किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल प्लेयर चुना गया है? और आंसर इसका है रॉबर्ट लेवानोवस्की, जिन्हें आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, जो कि 2020 के बेस्ट फीफा खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में एशियाई खेलों के लिए 2030 की के लिए दोहा को और कतर को 2034 के लिए इनको मेजबानी दी गई है। ठीक है, दोहा कतर को 2030 के लिए और रियाद सऊदी अरब को दी गई 2034 के लिए, जबकि 2022 में होने वाले एशियाई खेल कहां पर होंगे? तो आंसर इसका है 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन झांगझाऊ चीन में किया जाएगा। और इसके साथ साथ 2022 में एक और महत्वपूर्ण खेल जो कि प्रतियोगिता है कॉमनवेल्थ खेल, इनका आयोजन बर्मिंगम इंग्लैंड में होना है 2022 में। नेक्स्ट, हाल ही में फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है बजरंग पूनिया, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर इनका, और दूसरे हैं एला वेनिल वलारिवन, इन दोनों को संयुक्त रूप से स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान है, जिन्होंने की हाल ही में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने अपने 300वीं पारी में इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में एशिया क्रिकेट कप 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? एशिया क्रिकेट कप 2021, आज आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका को 2021 के एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी दी गई है, और पाकिस्तान वर्ष 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए किस खेल को हाल ही में किसे जोड़ा है, एक खेल खेलों के रूप में जोड़ा गया है? तो आंसर इसका है ब्रेक डांसिंग को हाल ही में जोड़ा गया है ओलंपिक खेलों में, जो कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए। इसके साथ साथ ही 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक जो गेम्स होंगे वहां पर 3 नए खेल जिसमें स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को खेलों में वैसे भी शामिल किया जा चुका है, जो कि अपना डेब्यू करेंगे ये तीनों खेल 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोका, इससे पहले 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे जी आकाश। नेक्स्ट पार्ट, इसमें हमारा पार्ट आएगा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? CIC, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि विमल जुल्का के सेवानिवृत्त होने के बाद अब यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में NHAI के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था, उनका क्या नाम है? NHAI के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मई 2020 में नवगठित WHO फाउंडेशन का CEO कौन बना है? अनिल सोनी। WHO फाउंडेशन का मई 2020 में इसका गठन किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके इसके जो CEO बने हैं अनिल सोनी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारतीय रेलवे के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? भारतीय रेलवे के नए चेयरमैन और CEO बने हैं सुनील शर्मा। शर्मा इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव की जगह लेंगे, जो कि पुनर्गठन बोर्ड के पहले CEO थे विनोद कुमार यादव, और अब वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं सुनील शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका क्या नाम है? इसरो के अध्यक्ष, आप स्क्रीन पर फोटो देखकर आप पहचान पाएंगे, के सिवान। नेक्स्ट, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO का महानिदेशक कौन बने हैं? बीआरओ के महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष कौन बना है? एसोचैम विनीत अग्रवाल हाल ही में एसोचैम के नया अध्यक्ष बने हैं, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। एसोचैम का पूरा नाम हो जाता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्ट इसका हमारा आएगा, इसमें दिवस और थीम से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस कब मनाया गया है? गुड गवर्नेंस डे, आंसर है 25 दिसंबर को हाल ही में गुड गवर्नेंस डे मनाया गया था, जो कि भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया है,
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि भारत के पांचवें प्रधानमंत्री भी थे, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय गणित दिवस, आंसर है 22 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, आंसर है 18 दिसंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया था, और इसकी विषय वस्तु यानी थीम रखी गई थी री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर को हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को हाल ही मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया हाल ही में? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है, विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया है 10 दिसंबर को हाल ही मनाया गया था, और विश्व मानवाधिकार दिवस जिसे कहते हैं, इस दिन की शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान शुरू किया है? तो सड़क मरम्मत योजना हाल ही में शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है अंतरिक्ष कार्यक्रम, यानी स्पेस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को इस पार्ट में हम देखते हैं। हाल ही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ कौन सा सैटेलाइट भेजा है? इसरो यानी जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है, उसने हाल ही में PSLV C-49 रॉकेट के द्वारा 10 उपग्रहों को एक साथ भेजा है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा CMS-01, जो कि पहले जो भेजा गया था उसका नाम था GSAT-12R, इसका नाम रखा था, यह उसका नवीन संस्करण है CMS-01। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? आंसर है SpaceX, जो कि अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी है, उसने हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था। ओके, नेक्स्ट आता है, हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? चांद पर झंडा फहराने वाला, आंसर इसका है चीन, जिसने हाल ही में चांद पर झंडा फहराया है, और इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-01 लॉन्च किया है? EOS-01 हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में 23 दिसंबर को सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया, किसके सहयोग से किया गया था? आंसर इसका इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से भारतीय स्पेस एजेंसी जो है, इन्होंने हाल ही में इस मिसाइल का परीक्षण किया था। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें आता है योजनाएं, इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम उसको इस पॉइंट में देखेंगे। पहला इसमें आता है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना शुरू की है? आयुष्मान भारत PMJAY, आंसर है जम्मू कश्मीर में इस योजना की शुरुआत की गई है, सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसके लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? फ्रूट्स पोर्टल का, आंसर है किसानों के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा एक फ्रूट्स पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, और जिसमें कि कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरण इकट्ठा करने के लिए इस पोर्टल का अनावरण किया गया है किसानों के लिए। विविध क्वेश्चंस जो भी इसके अलावा और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस पार्ट में ले लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स किसने विकसित किया है? भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है ये, नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? वागीर इसका नाम है, जिसको कि 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है यह भारतीय नौसेना की। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में ब्यूरेवी चक्रवाती तूफान आया था, यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ब्यूरेवी चक्रवाती तूफान, आंसर है मालदीव के द्वारा यह नाम दिया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में नेपाल व चीन ने संयुक्त सर्वेक्षण में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई है? हाल ही में नेपाल और चीन ने जो एक संयुक्त सर्वेक्षण किया था उसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताया, यानी कि 0.86 मीटर अधिक बताया है। माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई की गणना की गई है, भारत ने इससे पहले जो गणना की थी वो थी 8,848, जो कि 1954 में की गई थी भारत के द्वारा, और अब जो ये नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से की है 8,848.86 मीटर बता रहे हैं, यानी कि पूर्व से 0.86 मीटर अधिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्पीति के हार्लिंग गांव में दिसंबर 2020 में पहली बार देखा गया एक शाकाहारी जीव जिसे वन्य जीव दुर्लभ की अनुसूची में शामिल किया गया है। यह जीव बकरी, गाय और गधा जो उसका मिक्स एक देखने में लग रहा है, आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका फोटो, आप हिमालयन सीरो उसका नाम है इस जीव का, जिसको हाल ही में वन्य जीव दुर्लभ की अनुसूची में शामिल किया गया है। स्क्रीन पर आपको बड़ा करके दिखाते हैं इस फोटो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है? आंसर है सोनू सूद, जो कि भारतीय फिल्म अभिनेता है, और मीरा के नायर जो कि सह लेखक हैं इस पुस्तक की, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, आई एम नो मसीहा। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया सार संग्रह का, तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां आपको सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।